बंद करा। या फर्स्ट में फर्स्ट प्लेस सर। या नमस्कार, माय सेल्फ पुष्पलता राजगुरु। आई एम योगा थेरेपी स्टूडेंट फर्स्ट बैच ऑफ ठाणे स्कूल ऑफ योगा। माय सब्जेक्ट इज थायराइड। सर घ्या ना अध्यक्ष घ्या। थायराइड इज बटरफ्लाय शेप ग्लँड सिच्युएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ लॅरिंग्स एंड ट्रेकिया। थायराइड ये बटर शेप में एक ग्लैंड रहती है, जो अभी पिक्चर में दिखाया है वैसे ये अपना जो लैरिंग्स और ट्रकिया रहते हैं उसके बीच में रहता है। इट वेट्स अबाउट 25 ग्राम, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। इसका वेट 25 ग्राम रहता है, वैसे बहुत छोटी रहती है। और ये जिसके दो लोब्स रहते हैं जैसे बटरफ्लाई के, जैसे लोब्स आर जॉइंट बाय अ नैरो ब्रिज इथमस। ये जो दो लोब्स रहते हैं वो जिससे जिस पार्ट से जॉइंट होते रहते हैं वो ब्रिज जैसा पॉइंट रहता है उसे इथमस कहते हैं। कंटेन्स थ्री हॉर्मोन्स, जैसे थायराइड कंटेन्स थ्री हॉर्मोन्स T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन दैट कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ एंड वर्क्स। अब ये थायराइड तीन प्रकार के हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं, जैसे उसे T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये अभी बॉडी का अपना ग्रोथ रहता है, ब्रेन का ग्रोथ रहता है, और चयापचय क्रिया बोले तो मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, ओवरऑल बॉडी का कार्य ये कंट्रोल थायराइड कंट्रोल करता है। इसे मराठी में या हिंदी में गल ग्रंथि बोलते हैं और आउट ग्रंथि भी बोलते हैं। व्हेन योर थायराइड इज नॉर्मल पोजिशन देर इज नॉर्मल साइज यू कांट फील इट। ये थायराइड हर एक जैसे बॉडी में रहता है लेकिन वो जब नॉर्मल पोजिशन में रहता है वो किसी को भी फील नहीं होता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड। द सिग्नल कम्स फ्रॉम अ स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अवर ब्रेन कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड सेंड्स आउट अ हार्मोन्स कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH। TSH देन इन्फॉर्म्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स। अभी हम देखेंगे कि ये थायराइड कहाँ से आता है, कैसा फंक्शन करता है। तो थायराइड खुद फंक्शन नहीं करता है, उसे कंट्रोल करने वाला है TSH। अब ये TSH कहाँ से आता है, तो हमारे ब्रेन में नीचे के भाग में एक ग्लैंड रहता है जैसे बीन जैसा, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसे हम किंग ऑफ हार्मोन भी बोलते हैं, किंग ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो एक कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है उसे TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स थायराइड के जो हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे थायराइड हार्मोन्स यदि ज्यादा सिक्रेट करेगा हार्मोन्स तो ये कम करेगा, और ये कम करेगा तो TSH ज्यादा करेगा, जैसे कंट्रोल करता है पूरा थायराइड ग्लैंड। जैसे थायराइड का खुद का फंक्शन है वो डिपेंड ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड TSH। ओके, इट BMR सर खूब पुढ़े गेला सर मागे मागची घ्या ना, हाँ सेकंड थर्ड घ्या अजून राहिलं माझं, हाँ अजून मागे घ्या, पुढे घ्या, मागे घ्या। ओके हाँ सर, तीन नंबरची साइड, हाँ तीन नंबरची साइड अजून माग पुढचे बस। हाँ इट, हाँ इट कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी आप देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है। द थायराइड ग्लैंड इज अ वाइटल हार्मोनल ग्लैंड। वाइटल बोले तो अति महत्वपूर्ण ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिक रेट BMR कंट्रोलिंग हार्ट मसल एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस एंड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये वाइटल हार्मोनल ग्लैंड बोले तो अति महत्वपूर्ण ग्लैंड है। अब ये क्या क्या कंट्रोल करते हैं, पूरा मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं हार्ट का, बाद में मसल बिल्डिंग वगैरह, बाद में डाइजेस्टिव फंक्शन बोलते हैं चाहे मेटाबॉलिज्म चाहे पचय क्रिया, बाद में डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये पूरा कंट्रोल थायराइड ग्लैंड करती है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है कम हो जाता है ये भी कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को।
बाद में इट हेल्प्स टू रेगुलेट मेनी बॉडी फंक्शंस बाय कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग अ स्टेडी अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। बाद में ब्लड सर्कुलेशन भी रेगुलेट थायराइड ग्लैंड करती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड कंटिन्यू। अब हम देखेंगे पोटल ब्रेन डेवलपमेंट। पोटल ब्रेन डेवलपमेंट बोले तो भ्रूण गर्भाशय मध्य जो भ्रूण तैयार होता है उसका यदि थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह से काम कर रही है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा। यदि कम और ज्यादा करेगा तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। बाद में स्केलेटन मैच्योरेशन हड्डियों का साचा जो रहता है वो भी डेवलप करने के लिए थायराइड ग्लैंड यूज मदद करती है। बाद में इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR मेटाबॉलिज्म भी जो हमारा चयापचय रेट रहता है वो भी इंक्रीज करती है। यदि कम है तो बराबर करती है। यदि कमी असेल तर म्हणजे नुकसान होईल जास्त असेल तरी असेल इट इज कंट्रोल नाही तर इंक्रीज कर जाते। बोले तो स्टिम्युलेट गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी बोले तो हमारे शरीर के अंदर जो क्या बोलते आतड़े रहते हैं उसकी भी मोटिलिटी ये स्टिम्युलेट करता है। उससे संपूर्ण शरीर का पेट में का काम चलता रहता है। बाद में इंक्रीज बोन मास। बोन मास इंक्रीज करता है। बाद में इंक्रीज सीरम ग्लूकोज। सीरम ग्लूकोज ब्लड में का सीरम ग्लूकोज इंक्रीज करता है। बाद में डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल। यदि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यदि इंक्रीज हो जाता है वो भी डिक्रीज करने का काम थायराइड करता है। फास्ट हो रहा क्या मैम? फास्ट होते सब। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड सेल्स आर द ओनली सेल इन द बॉडी विच कैन एब्सॉर्ब आयोडीन फ्रॉम द फूड टू मेक थायराइड हार्मोन्स। अब ये थायराइड सेल्स का फंक्शन क्या है? तो बॉडी ऐसा आयोडीन नहीं ले सकता है तो ये जो फूड में आयोडीन एब्सॉर्ब करने का काम थायराइड ग्लैंड करती है। बाद में दीज सेल्स कंबाइन आयोडीन एंड द अमीनो एसिड ट्राइसिन टू मेक T3 एंड T4। अब ये जो सोडियम ये करते आयोडीन ये करते एब्सॉर्ब करते उसका अमीनो एसिड के साथ कॉम्बिनेशन करके दो हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं T3 एंड T4। देर आर मेन थ्री थायराइड हार्मोन्स मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ट्राइडोथायरोनाइन T3 एंड थायरोक्सिन T4 और तीसरा है कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स कंटिन्यू। हाँ ट्राइडोथायरोनाइन T3। अब हम देखेंगे T3 का फंक्शन। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है अपने बॉडी का जैसे पूरी डेवलपमेंट पूरी बॉडी की ये अफेक्ट करता है T3 हार्मोन। बाद में ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ पूरा पूरे बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट भी T3 की वजह से होता है। बोले तो मेटाबोलिज्म बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। तो चयापचय क्रिया मेटाबोलिज्म बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रखने का काम बार में हार्ट रेट भी नॉर्मल रखने का काम T3 का करता है। एंड सेकंड इज थायरोक्सिन T4 इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। अभी थायरोक्सिन ये क्या करता है कि बॉडी का जैसे हाइट रहती है पर्टिकुलर एज में हाइट बढ़ती है उसका और मेजरेशन आ जाता है वो कंट्रोल करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा होता है फैटनेस बढ़ता है हाइट बढ़ती है कुछ कम हो जाता है इसका ये भी कंट्रोल T4 करता है। बाद में एक्सेस थायरोक्सिन रिजल्ट इन डिलेड डेवलपमेंट। थायरोक्सिन का रिजल्ट यदि डिले हो गया तो वो भी थायरोक्सिन यदि ज्यादा ये हो गया बढ़ गया तो वो भी कंट्रोल करने का काम T4 करता है। एक बार बोला था थायरोक्सिन कैल्सिटोन। अब देखेंगे कैल्सिटोनिन। इट इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो सी सेल्स रहता है ब्लड में का उससे सिक्रेशन ये सिक्रेट करता है कैल्सिटोनिन। इसका फंक्शन है डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम एंड ब्लड फॉस्फेट लेवल बाय हेल्पिंग देम गेट डिपॉजिटेड इन बोन एंड बाय स्टिमुलेटिंग एक्सक्रीशन ऑफ देम बाय किडनीज। तो ब्लड में का जो कैल्शियम लेवल है ये मेंटेन करने का काम ये कैल्सिटोनिन करता है। उसके साथ ब्लड फॉस्फेट भी आता है बाय हेल्पिंग विद द गेट डिपॉजिटेड इन बोन और बोन और बाय स्टिमुलेटिंग एक्सक्रीशन बाय द किडनी। किडनी और बोन में जो ये रहता है कैल्शियम रहता है वो स्टिमुलेट करके
कैल्शियम ब्लड कैल्शियम डिक्रीज करता है या बढ़ाता है, ये फंक्शन है कैल्सिटोनिन का। एंड इट कंट्रोल्स ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं अपने जो डाइजेशन के लिए, और बाद में ब्लड कैल्शियम लेवल है ये भी कंट्रोल करने का काम थायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, मेन टू टाइप्स ऑफ थायराइड डिसीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थायराइड डिसीजेस, हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म बोले तो अंडर एक्टिव थायराइड, यदि थायराइड सिक्रेशन कम है तो उसे हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। अ कंडीशन इन व्हिच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स, यदि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन यदि ज्यादा इसमें नहीं बनाता है, कम हो जाता है उसका लेवल, तो तब हमें हाइपोथायरॉइडिज्म नाम का डिसीज हो जाता है, क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए। बाद में हाइपोथायरॉइडिज्म बोले तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय थायराइड, बोथ कंडीशंस कॉजेस बाय अदर डिसीजेस, बोथ कंडीशन डिपेंड्स ऑन डीएसएच लेवल। यदि थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो यदि ज्यादा हो गया है, ओवर हो गया प्रोडक्शन, तो हाइपरथायरॉइडिज्म नाम का डिसीज हो जाता है। और ये दोनों भी कंडीशन टीएसएच लेवल के जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ थायराइड डिसीजेस, व्हेन योर थायराइड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स द बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी विल अपसेट। यदि थायराइड ग्लैंड यदि ज्यादा जैसे ज्यादा प्रमाण में यदि हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगे और बॉडी विल अपसेट, बोले तो बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे 100 में से 70% को थायराइड हो जाता है ड्यू टू टेस्ट भी आल्सो। देर आर नंबर ऑफ कॉजेस इंक्लूडिंग ऑटो ह्यूमन डिसीजेस, हाइपोथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट्स, रेडिएशन थेरेपी, थायराइड सर्जरी एंड सर्टन मेडिकेशंस, आयोडीन डिफिशियंसी। अभी ये कैसे आ जाता है, कॉजेस क्या है इसका, ये हम देखेंगे। ऑटो इम्यून सिस्टम जो डिसीजेस है हमारे, जैसे अंतर्गत भाग में जो रहते हैं खुद जो डिसीजेस आ जाते हैं तो कंट्रोल होता है वो, यदि नॉर्मल नहीं हो गया तो हमें थायराइड डिसीज हो जाता है। बाद में हाइपोथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट, रेडिएशन, बाद में हाइपोथायरॉइडिज्म की ट्रीटमेंट लेते हैं तब भी हमें ये प्रॉब्लम आ जाता है, रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तब भी हमारा थायराइड हमारा बढ़ सकता है, बाद में थायराइड की सर्जरी होने के बाद भी बढ़ सकता है, और सर्टन मेडिकेशंस और आयोडीन डेफिशिएंसी होने के बाद में कुछ मेडिकेशन होता है हमें लेते हैं, उससे मात्रा यदि कम हो जाती है, कम यदि ज्यादा हो जाती है उससे भी थायराइड डिसीज बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज इज इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द थायराइड टू प्रोड्यूस हार्मोन। अभी ऑटो इम्यून डिसीज जो है थायराइड जो प्रोडक्शन ये यदि कम हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज हमारा कम हो गया या बड़ा हो गया, तो जो हमारा प्रोडक्शन रहता है हार्मोन्स का थायराइड जो बनाता है उसमें अटैक हो जाता है और थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है। बाद में ग्रेव डिसीज, एंटायर थायराइड ग्लैंड माइट बी ओवर एक्टिव एंड प्रोड्यूस टू मच हार्मोन्स। अब ग्रेव डिसीज में क्या आता है, थायराइड ग्लैंड माइट बी ओवर एक्टिव हो जाती है, यदि उन्होंने ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में यदि हार्मोन्स क्रिएट हो गए तो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसे ग्रेव डिसीज बोलते हैं। बाद में नोडल्स, हाइपोथायरॉइडिज्म कैन बी कॉज बाय नोडल्स दैट आर ओवर एक्टिव विद इन द थायराइड गोइटर गलगोटर। इसी में भी यदि थायराइड हार्मोन क्या बोलते हैं हार्मोन्स जो है वो यदि बढ़ जाते हैं तो भी थायराइड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और उसे नोड्यूल डिसीज बोलते हैं, जो गोइटर जैसे गला बड़ा हो जाता है ना उसे, इसलिए लाइट लॉ ये गला जो बड़ा हो जाता है ना किसी का उसे। बाद में आता है थायराइडिटिस, दिस डिसऑर्डर कैन बी आइदर पेनफुल और नॉट फेल्ट एट ऑल। अभी ये जैसे किसी में ना थायराइड रहता है लेकिन समझ में भी नहीं आता, वो पेनफुल नहीं रहता है तो समझ में भी नहीं रहता है कि वो है या नहीं है, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है, उसे बोलते हैं थायराइडिटिस। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थायराइड डिसफंक्शंस, ये भी सेम है, अभी रिपीट हो गया ये सर, नेक्स्ट ले लो। हाँ,
सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी हम थायराइड है, जैसे थायराइड के दो प्रकार हमने देखे, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी हम हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट सिम्टम्स है पल्पिटेशन, बोले तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कुछ हो गया तो धड़धड़ धड़धड़ होता ना, ये भी पल्पिटेशन हो जाता है। इरिटेबिलिटी और मूडीनेस, स्वभाव मूडी हो जाता है, कुछ भी हम जैसे रेगुलर नहीं करते हैं, जैसे मूडी जब जब मन में आया खा लेंगे, जब मन में आया नहीं खा लेंगे, मन में आया कहा जाएंगे, ऐसा हो जाता है। बाद में नर्वसनेस, बाद में हाइपर एपिसिटी, नर्वसनेस जल्दी आ जाता है, कुछ भी हो जाने के बाद जल्दी नर्वसनेस आ जाता है। बाद में हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है हाइपर। बाद में स्वीटिंग और सेंसिटिविटी ऑफ हाई टेम्परेचर, स्वीटिंग जैसे घाम, हिंदी में क्या बोलते हैं घाम को, वो आ जाता है, स्वीटिंग हो जाता है। बाद में सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर, यदि खूब टेम्परेचर हाई भी रहेगा तो भी उसकी सेंसिटिविटी आ जाएंगी। समझा ठंडी असल तरी पण तुम्हाला घाम सुटतो अंगाला, तो प्रकार होतो। हैंड ट्रेम्बलिंग, क्रॅम्स येतात, असं चहाचा कप आपण देताना हात आपले थरथरायला लागतात, दॅट इज हैंड ट्रेम्बलिंग। हेअर लॉस, बाल भी झडते है। बाद में मिस्ट और लाइट मेस्ट्रल पीरियड्स, लेडीज में से मेस्ट्रल पीरियड बहुत कम आ जाता है, जैसे ब्लीडिंग बहुत कम हो जाता है और कभी कभी वो एकदम मिस हो जाता है, एक दो महीने के बाद भी चला जाता है। बाद एंग्जाइटी, डरा डरा सा रहता है आदमी, किसी से भी डर लगता है। बाद में वेट लॉस, और ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाता है क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जब ज्यादा बढ़ जाता है प्रोडक्शन, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है और कुछ भी खा लो, ज्यादा भी खा लो, कुछ भी खा लो, तो वेट लॉस हो जाता है। ये सिम्टम्स है हाइपरथायरॉयडिज्म के। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर इन फीमेल। सर हाइपो झालंय का? हाइपर झालं, हा। पुढचं नेक्स्ट घ्या आता, हा पुढची घ्या ना। हाँ, अभी ये सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स इन फीमेल, ये स्पेशल इसलिए लिया है कि 100 में से 80% लेडीज को ज्यादा रहता है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम जेंट्स को कम रहता है एज कम्पेयर टू लेडीज में ज्यादा रहता है। तो उसका क्या क्या होता है, तो स्लो मेटाबोलिज्म, इंक्लूडिंग मेटाबोलिज्म चयापचय जो क्रिया है उसका स्लो हो जाता है, जैसे कुछ भी खा लो जैसे पचता नहीं है, उसको स्लो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बाद में आता है फीलिंग कोल्ड व्हेन अदर पीपल डू नॉट, बोले तो किसी को ठंड नहीं लगता है, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो लेडीज को बहुत ठंडी बढ़ जाती है, ठंड लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन, बोले तो चयापचय क्रिया बराबर नहीं आता है, तो बद्धकोष्ठता हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बोले तो मसल वीकनेस, तो मसल वीकनेस बोले तो हाथ पैर दुखते रहते हैं हरदम, तो कभी कभी हम लेडीज में देखते हैं कुछ भी नहीं किया फिर भी दुखता रहता है ये बात। बाद में आता है वेट गेन, वेट बढ़ता जाता है इवन दो यू आर नॉट ईटिंग मोर फूड, कुछ कुछ जैसे खाना बहुत कम रहता है लेकिन वजन बढ़ता रहता है ड्यू टू थायराइड। बाद में जॉइंट और मसल पेन, ये भी तो देखा हमने, फीलिंग सैड और डिप्रेस, हरदम सैड फीलिंग रहता है, डिप्रेस रहता है मूड। बाद में फीलिंग वेरी टायर्ड, और कुछ काम करो ना करो एकदम फीलिंग टायर्ड महसूस होता है लेडीज को। बाद में डायग्नोसिस ऑफ थायराइड, सर हाइपोचं राहिलंय वाटते, एक सेकंड पुढे करा वरती। ठीक आहे, हायपर हायपो अब इसमें क्या होता है, इसके लक्षण ये है कि वेट गेन, वाटर रिटेंशन, वेट बढ़ता रहता है,
वैसे भी हम देखते हैं कि बॉडी में पानी ज्यादा रहते हैं ना, वाटर वाटर रिटेंशन रहता है, तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। बाद में स्लीपिंग डिसऑर्डर बोले तो बहुत ज्यादा नींद आ जाती है और कभी कभी नींद ही नहीं आ जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। बाद में टायर्डनेस एंड फटिक, थके थके रहते हैं एकदम। बाद में डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस नहीं कर सकते हम, कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी आ जाती है, कैन फोकस एनी गोल। बाद में ड्राई स्किन एंड हेयर फॉल, पूरी स्किन ड्राई हो जाती है और हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन सेंसिटिविटी टू कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा ज्यादा बढ़ती है। बाद में फ्रिक्वेंट हेवी पीरियड्स, लेडीज में जैसे एक जैसा हेवी पीरियड आ जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, जैसे हाइपर में कम आता है, हाइपो में ज्यादा आ जाता है, और फ्रिक्वेंटली आता है। जैसे कोई की लेडीज में जैसे जैसे 8 दिन 15 दिन ऐसा चलता रहता है, और ज्यादा जॉइंट एंड मसल पेन, जॉइंट एंड मसल पेन होते रहते हैं। नेक्स्ट सर, सिम्टम्स, हाँ हाइपो झाला, हाइपर पण झालेला आहे ना सर, हे पण झालं सर, पुढे करा नाही। अब देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ थायरॉइड, अभी डायग्नोसिस ऑफ थायरॉइड करते तो ब्लड के थ्रू ही करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट डेफिनेटिव वेज टू डायग्नोस अ थायरॉइड प्रॉब्लम इन थ्रू ब्लड टेस्ट। अभी थायरॉइड प्रॉब्लम यदि डायग्नोस करना पड़ता है तो ब्लड टेस्ट करनी पड़ता है, उससे हमें पता चलता है। थायरॉइड ब्लड टेस्ट आर यूज टू टेल इफ यूर थायरॉइड ग्लैंड इज फंक्शनिंग प्रॉपरली बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स इन ब्लड। अभी ब्लड में से जो थायरॉइड हार्मोन्स चेक करने से बाद अपने को समझता है कि थायरॉइड ग्लैंड तुम्हारे प्रॉपरली फंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। बाद में दिस टेस्ट आर डन बाय टेकिंग ब्लड फ्रॉम वेन यूर आर्म, ये तो नॉर्मल है कि ब्लड आर्म से लेना पड़ता है और उससे वो कैसा फंक्शन करता है अपने को समझता है। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल रीडिंग, कॉमनली ऑर्डर्ड थायरॉइड ब्लड टेस्ट इंक्लूड्स। अभी पैथोलॉजिकल रीडिंग कैसा रहता है, अभी T4 टेस्ट देखेंगे पहले। दिस इज डन टू मेजर द ब्लड लेवल ऑफ द हार्मोन TH, थायरॉक्सिन। ब्लड लेवल मेजर करना पड़ता है, उससे हमें TSH लेवल समझ जाता है। TSH लेवल टेस्ट, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्ट कैन हेल्प टेल हाउ वेल द थायरॉइड इज वर्किंग। अभी TSH अपने को टेस्ट करना पड़ता है, उससे हमें पता चलता है कि थायरॉइड ऑर्गन एक थायरॉइड ग्लैंड एक काम कैसा करता है, क्योंकि थायरॉइड का जो वर्किंग है ये पूरा TSH लेवल पे है। इसका नाम ही है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है तभी थायरॉइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है, और कम स्टिमुलेट किया तो वो कम सीक्रेट करती है। बाद में T3 एंड टोटल टेस्ट, दे T3 टोटल टेस्ट मेजर द अदर मेजर थायरॉइड हार्मोन्स इन द ब्लड। ये भी ब्लड में से ब्लड टेस्ट करने के बाद अपने को T3 करना समझ में आ जाता है। बाद में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एज पर कंसल्टेंट्स एडवाइस ब्लड पैरामीटर्स। हाइपरथायरॉइडिज्म का फार्माकोलॉजी का जो डॉक्टर दे देते हैं दवाई, वो टैब है कार्बिमेजोल, बाद में है फर्स्ट 3 वीक्स 40 to 60 mg डेली इन डिवाइडेड डोज, देन 4 to 8 वीक्स 20 to 40 mg डेली। नेक्स्ट है मेंटेनेंस 5 to 20 mg डेली, ड्यूरेशन है 2 ईयर। सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी, ये सब दवाई का नाम है, यदि कोई लेता है तो उन्हें पता होगा। हाइपोथायरॉइडिज्म में आता है टैब थायरॉक्सिन और अवेलेबल इन 25, 50, 100 माइक्रोग्राम पर डे, ये सब मेडिसिन है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डाइट। डाइट है पंचकोश रिलेटेड है। अब इसमें गुड फूड थायरॉइड, गुड फूड है और बैड फूड है। बाद में गुड फूड में आता है नट्स आता है, लीन मीट आता है, एग आता है, प्रोबायोटिक रिच फूड्स आता है, लेमन, वॉलनट, हनी, वाइल्ड कप फिश, बाद में सेल्फ फिश एंड सीवीड, वेजिटेबल्स, कोकोनट, किडनी बीन्स, ये सब गुड फूड है।
थायराइड के लिए। बाद में बैड फूड है जो नहीं है, प्रोहिबिटेड है, जो नहीं लेना चाहिए। रॉ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, बाद में फ्लोराइडेटेड वाटर है सर, है काया ले ले, ठीक है, कॉफीन है, सोया फूड है, बाद में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, अल्कोहल है, फास्ट फूड है और रिजर्व फूड है। सोया के तो कुछ भी एक भी पदार्थ नहीं चलता है थायराइड के लिए। नेक्स्ट, ये सब गुड फूड और बैड फूड है, चार्ट भी बता दिया है उन्होंने। क्या उतना है? हाँ, फूड दैट हार्मफुल फॉर थायराइड, सोया प्रोडक्ट्स लाइक टाफू, टेम्पे, एडामिन, इटीसी। अभी सोया जो सोया प्रोडक्ट कुछ भी है वो कुछ भी नहीं चलता है, सोया प्रोडक्ट ही नहीं चलता है। ये सब प्रकार है सोया प्रोडक्ट के, टोफू, टेम्पे और एडामिन। बाद में सर्टन वेजिटेबल्स, कैबेज नहीं चलता है, ब्रोकोली, कैली, कॉलीफ्लावर्स, स्पिनेज, इटीसी, ये सब वेजिटेबल्स है, लिफी है, ये लिफी वेजिटेबल्स है, ये भी नहीं चलता है। बाद में फ्रूट्स एंड स्टार्ची प्लांट्स, स्वीट पोटैटोस, कैसावा, स्ट्रॉबेरीज, ये जो स्टार्ची प्लांट्स है वो नहीं चलेगा। अब इसमें पोटैटोस भी आ गया, स्वीट पोटैटोस भी बेचते, रताड़ा वगैरह, और कैसावा ये भी रताड़ा जैसा है, और स्ट्रॉबेरीज भी, ये भी नहीं चलता है। बाद में नट्स एंड सीड्स, मिलेट्स नहीं चलता है, पाइन नट्स नहीं चलता है, और पीनट्स भी नहीं चलता है थायराइड प्रॉब्लम वालों को। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे हमारा जो मेन है सब्जेक्ट, योगिक मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज। पंचकोशा बेस्ड है, बाद में योगासन पर अपने योगा प्रैक्टिशनर्स है, यो आयुर्वेदिक एक्सप्लेन करा ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू पंचकोशा, अन्नमय कोश, अन्न, ये सब आता है ना सर, आगे पूरे पण आहे ना सर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, नंतर विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश। तो सुरुवात आपली पंचमय पंचकोशाची सुरुवात आपली अन्नमय कोशापासून होते। तर आपण त्यामध्ये फूड बघितलंय, डाएट जो है वो पंचमय पंचकोशा में अन्नमय कोश में आ जाता है। बाद में योगासन आ जाते हैं, अभी हम योगासन देखेंगे फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि थायराइड के लिए एक ही जैसे एक जैसे आसन देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हाइपो के लिए अलग है और हाइपर के लिए अलग है। तो पहले देखेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म में, तो सूक्ष्म व्यायाम विथ नेक मूवमेंट, जो नेक मूवमेंट आती है अपनी, ये सूक्ष्म व्यायाम में, ये अपन हाइपोथायरॉइडिज्म में लेते हैं। ब्रह्म मुद्रा, बाद में शोल्डर स्टैंड, सर्वांगासन आता है, इन्वर्टेड पोज, विपरीत करनी आता है, बाद में वन लेग फोर बेंड, जानु शीर्षासन आता है, बाद में फिश पोज आता है, मत्स्यासना, लेग्स अप द वॉल पोज, उत्तान पादासना, कैट काउ पोज, मारदारी आसना और बोट पोज, नौकासना। सर लेते हैं सभी आसन अपने, ये मेनन सर कंटिन्यू हाइपोथायरॉइडिज्म के। कैमल पोज आता है उष्टासन में, बाद में कोबरा पोज भुजंगासन में, बाद में फास्ट पेस्ट सन सॉल्यूशन, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार हम डालते हैं। अभी इसमें फास्ट डालना पड़ता है हाइपो में, क्योंकि हाइपो में पूरी जो है हमारा जो है वो पूरा शांत रहता है हाइपो, और उसे बढ़ाने के लिए हमें जो कुछ भी करना है वो फास्ट करना पड़ता है, उसमें सन सॉल्यूशन आता है, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक आता है, कपाल भाती आ जाता है, बाद में नाड़ी शोधन, भस्त्रिका प्राणायाम और ऊंचाई, ऊंचाई दोनों में आ जाता है, और सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा भी हाइपोथायरॉइडिज्म में स्पेशली, सूर्य मुद्रा स्पेशली हाइपोथायरॉइडिज्म में यूज किए जाते हैं। ऐसे सूर्य मुद्रा इज राइट फ्रॉम इनहेल करना, लेफ्ट से एक्सहेल करना। हाँ, ते सूर्य भजन झालं सर, हे सूर्य मुद्रा है सर। सूर्यमुद्रा याच्यासाठी कशात की हायपोथायरॉइडिज मध्ये काय होते, मेंटली हा माणूस शांत होऊन जातो, एक डलनेस आ जाता है, और डलनेस आने के बाद उसे ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए हमें सूर्य नमस्कार भी ज्यादा डालने है। हाँ, आणि सूर्यभेदन पण आहे आणि सूर्य मुद्रा पण आहे, सूर्य मुद्रा राइट टू राइट, बरोबर, राइट सर। हाँ, योगिक मॅनेजमेंट ऑफ डिसीजेस पंचकोश, हाँ, योगासन फॉर हाइपर हाइपरथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट। हाइपर बोले तो जैसे हार्मोन्स जास्त वाढलं की तेव्हा हाइपरथायरॉइडिज्म आ जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम
योगासना देखेंगे, क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जैसे राग जैसे है तो चंचलता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस वाड़ वगैरह, तो वहाँ अपन जैसे हमारा मन शांत होने के लिए आसन है इसमें पूरे हाइपरथायरॉयडिज्म में, सूक्ष्म व्यायाम विथ नेक मूवमेंट, नेक मूवमेंट दोनों में आ जाएंगे, और ब्रिज पोज आएगा, सेतु बंधासना, बाद में कैट स्ट्रेच मार्जरी आसना, बाद में चाइल्ड पोज शिशु आसना, बाद में कॉर्स पोज शवासना, जैसे मन शांत होने के आसन है मैक्सिमम, बाद में स्लो पेस सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस विथ मंत्र चैंटिंग विथ हैव अ काम एंड सूथिंग इफेक्ट। अभी हाइपर में हमने सूर्य नमस्कार फास्ट लिया है, अभी इससे हमने धीरे धीरे लेना है, अभी धीरे धीरे लेना है तो कैसे लेना है, हमें जैसे मंत्रा के ले मंत्रा बोल के लेना है, जैसे अपन प्रत्येक हर एक सूर्य नमस्कार डालते टाइम हम एक एक मंत्र बोलते हैं, तो हमारा जो सूर्य नमस्कार की जो ये है स्पीड है अब कम हो जाती है, और इसमें हमने कम स्पीड में हमें सूर्य नमस्कार डालना है। नेक्स्ट इट्स गुड प्रैक्टिस अ फ्यू मिनट ऑफ मेडिटेशन एवरी डे फॉर बॉडी हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे बढ़िया है दोनों भी जैसे हाइपो रहे और हाइपर रहे, दोनों में भी कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना कंपल्सरी है, कि माइंड फुल भी नहीं होना चाहिए और एकदम शांत भी नहीं होना चाहिए, हाइपर भी नहीं होना चाहिए। बाद में मेडिटेशन है, बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट्स हु बिकम लेड बैक ड्यू टू द कंडीशन विल नीड टू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू स्टे फिजिकली एक्टिव। जैसे सुपर पोजिशन जैसे शांत जैसे सो के जो आसन है वो करना चाहिए, क्या मतलब योग निद्रा वगैरह शवासन ये ज्यादा करना चाहिए बाद में। एंड हियर इज वेयर मेडिटेशन कैन रियली हेल्प स्ट्रेंथन योर विल पावर टू डू सो। जैसे थायराइड के बाद थायराइड है बोले तो पूरा जैसे डिस्टर्बेंस आ जाता है हर एक, क्योंकि थायराइड अपना पूरा बॉडी ये करता है कवर कर जाता है, तो हमारा पहले तो हमें हमारा माइंड ही तुम्हारा शांत करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें जैसे ये सब आसना करना पड़ेगा, बाद में मेडिटेशन करना पड़ेगा, बाद में ओम चैंटिंग तो है आगे, तो इसके लिए तुम्हारा विल पावर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं हमें नहीं है जो है हम कम करेंगे कर। शक्तिवर अभी हमें ये पिक्चर दिखा दिए है, ये तो हमारा नेक मूवमेंट है सूक्ष्म व्यायाम में से, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए और ये हाइपरथायरॉयडिज्म के आसन बताए ये पिक्चर में, शोल्डर स्टैंड है, बाद में वन लेग फॉरवर्ड बेंड है, बाद में फिश पोज है, मत्स्यासन फ्लो पोज है, बाद में कैट काउ पोज है हाइपर में, ब्रिज पोज है, बाद में चाइल्ड पोज है और कॉर्स पोज है शवासन, इसमें दोनों इसमें अलग अलग प्रकार के आसन को पिक्चर में दिखा दिए। नेक्स्ट बता दो, अब हम देखेंगे होलिस्टिक अप्रोच पंचकोशा बेस्ड अन्नमय कोशा। अभी अन्नमय कोशा में क्या आता है, द अन्नमय कोशा इज द फिजिकल शीट दैट कंपोजेस द आउटर लेयर। हमारा जो शरीर का जो आउटर लेयर आता है वो किससे बनता है, अन्न से बनता है, जो फिजिकल शीट है उसे हम अन्नमय कोश बोलते हैं। बोले तो फिजिकल बॉडी अब उसमें आ जाएगा डाइट, क्योंकि डाइट से हमारा पूरा शरीर बन जाता है। बाद में आसनास बॉडी ठीक रखने के लिए तुम्हें आसनास करने पड़ेंगे, बाद में उसमें सेल टिश्यू आ जाएंगे बॉडी के सब सेल टिश्यू नर्व्स ऑर्गन्स बॉडी सिस्टम ये पूरी तुम्हारी अन्नमय कोशिका में आ जाता है। नेक्स्ट प्राणमय कोशिका, प्राणमय कोशिका ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणमय कोशिका इज द वाइटल एनर्जी ब्रीथ और लाइफ फोर्स शीत। प्राणमय कोश म्हणजे पूर्ण प्राणायाम त्याच्यामध्ये येतो, प्राणायाम बोले तो रिस्पायरेशन आ गया, रिस्पायरेशन बोले तो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए व्हाइटल एनर्जी, व्हाइटल एनर्जी तुम्हें मेंटेन करने के लिए बोले ब्रीथ ब्रीथिंग तुम्हारा अच्छा करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज चाहिए, उसे हम लाइफ फोर्स शीत बोलते हैं। बाद में एनर्जेटिक फील्ड, प्राणमय कोश पे एनर्जेटिक फील्ड बढ़ता है हमारा, ओरा बायोमैग्नेटिक फील्ड। प्राणायाम करू करू आपला शरीर तेजस्वी होतो, उसका ओरा अपना अच्छा बन जाता है, ये आपको भी अनुभव आया होगा सब लोगों को। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी नाड़ी जो है जो हम प्राणायाम करते थे नाड़ी चतुर थे चक्र जाते जो हमारे सहा चक्र थे, बाद में ब्रीदिंग प्रैक्टिस आ जाती है प्राणमय कोशा में, बाद में सेक्शनल ब्रीदिंग आ जाती है,
सर तो लेते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग हरदम, बाद में साइक्लिक मेडिटेशन में आ जाते हैं सर लेते हैं हरदम, ये सब प्राणमय कोशा में आता है। बाद में मनो मनोमय कोशा, मनोमय कोशा में नाम ही मनो आ जाता है, तो मनोमय कोशा कंटेन अन्नमय कोशा एंड प्राणमय कोशा, ये सब बैलेंसिंग आ जाता है। जैसे अन्नमय कोशा और प्राणमय कोशा का कॉम्बिनेशन मनोमय कोशा। बाद में इसमें डेली माइंड बोले तो डेली मूड्स अपने स्विंग रहता है ना अपने स्वभाव में, वो सब आ जाता है मनोमय कोश में। बाद में इमोशंस एंड फीलिंग मीन्स लाइक्स डिसलाइक्स फियर्स फोबियास, तो जो इमोशंस है फीलिंग्स मीन्स लाइक लाइक्स है जो डिसलाइक है जो अच्छा लगता है नहीं लगता है डर लगता है फोबिया है किसी के मन में किसी कुछ ये रहता है, ये सब मनोमय कोश का जैसे अपन म्हणतो ना मनाचे खेळ आहेत हे सगळे, ये मनोमय कोशाने। अभी इसमें क्या करना चाहिए, तो यम नियम फॉलो करना चाहिए। यम में क्या आ जाता है अहिंसा सत्य अस्तित्व ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो यम बोले तो हम समाज में कैसे रहेंगे हाँ उसका सब नियम है। बाद में नियम बोले तो सब संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधम खुद के लिए नियम, जैसे हमारे दो नियम रहते हैं हम समाज में कैसे रहेंगे और हमारे खुद के लिए हमने जो रिस्ट्रिक्शन बनाए रखे वो नियम। मन में रिलैक्सेशन आ जाता है शवासन आ जाता है योग निद्रा धारणा ध्यान ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र मनोमय कोशा में सब आ जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक पूर्ण आ जाती है शवासन आ जाते हैं योग निद्रा आता है धारणा तो करना पड़ता है, धारणा करने के बाद ध्यान आ जाता है, बाद में ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र तुमचं मन शांत करण्यासाठी तुम्हाला हे सगळं करायचं आहे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आनंदमय विज्ञान हाँ विज्ञान कोश। इंटेलेक्ट अविज्ञान में कोश में क्या आ जाता है अवेयरनेस आ जाता है, म्हणजे तर्क आम्ही आपण तर्क करतो ना बैलेंसिंग करतो जजमेंट करतो ये सब विज्ञान में केस में आ जाता है। अविजनशिप हम मन से विजडम बोले तो हमें हमारी सोचने की वृत्ति हेल्प डेवलप क्लैरिटी एंड इनर रिफ्लेक्शन हेल्प डेवलप टू क्लैरिटी एंड इनर रिफ्लेक्शन एस यू लर्न टू डिटैच, जैसे हम हर एक चीज से डिटैच हो जाते हैं विज्ञान में कोश में, जो सेल्फ थॉट्स रहते हैं ईगो रहता है सेंसेस ऑफ सेल्फ वैल्यूज रहता है बिलीफ सिस्टम रहते हैं इंटेलेक्चुअल रहते हैं ये सब हमारे विज्ञान में कोश में डेवलप हो जाता है। जैसे पूरे समाज से डिटैच हो जाते हैं समाज में तो रहते हैं लेकिन डिटैच कुछ कुछ जो वैल्यूज रहते हैं उससे डिटैच रहते हैं उससे मन भी शांत रहता है अपना। अब उसके लिए हमें क्या करना है काउंसिलिंग करना पड़ता है, बाद में लाइफ स्टाइल चेंजेस, बाद में रीडिंग आ जाता है रीडिंग स्क्रिप्चर तुम तुम्हारे अपने अपने धर्म के बुक्स पढ़ सकते हो स्वाध्याय कर सकते हो कुछ भी अभी गीता पढ़वा रही जो कुछ भी है भगवान का वो हम कर सकते हैं स्वाध्याय में, इससे भी तुम्हारा विज्ञान में कोश डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हाँ अब आनंद में कोश बोले तो ब्लिसफुल स्टेज एकदम शांतपणे व्यक्तिमत्व तैयार झालेला हमारा, तो ब्लिसफुल स्टेज बीइंग विथ टू सेल्फ नेचर बीइंग विथ ट्रू सेल्फ नेचर बोले तो हमें किसी का भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कोई अच्छा रहो बुरा रहो एकदम शांत और नेचर के जैसे नेचर में हम रहना जानते हैं कहाँ भी रहते हम नेचर में रहते हैं एकदम बैलेंस पर्सनालिटी। हमें कर्मयोग वर्क इज रिलैक्स स्टेज, यदि हमें कर्मयोग तो करना है लेकिन हमें चिड़चिड़ापन नहीं होते हम जो भी करना है वो रिलैक्स स्टेज में करते हैं। अभी आ जाता है ईश्वर प्राणिधाम आ जाता है उसमें, बाद में चित्त प्रसादन मैत्री करुणा मुदिता समर्पण आ जाता है। मैत्री बोले तो अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहो सुखी लोगों के साथ सुखी रहो दुखी लोगों के साथ थोड़ा सा दुख जताओ कोई यदि गरीब है तो उसके साथ करुणा ये करो और बाद में समर्पण तो जो भी जो कुछ भी हम काम करें उसके द्वारे त्याचा निमित्त हम समर्पण भावना हमारी जो भी हम कर रहे हैं उसको समर्पण भाव से देखेंगे तो हमारे दिमाग में भी कुछ ऊंचा नीचा नहीं आ जाएगा हम एकदम ब्लिसफुल स्टेज में आ जाएंगे आनंदमय कोशा। नेक्स्ट ये तो पूरा पिक्चर है पंचमय पंचकोशा का टेलीमेंट वगैरह सगळा।
अभी जो बात किया था वही हाँ वही वो मैंने ज्यादा डाला इसका थोड़ा थोड़ा थैंक्स थैंक्स और बॉडी इज मेड ऑफ फाइव कोशास हाँ आउटर कोशा अंदर में यू कैन एक्सप्लेन अपना उषा अभी उषा ने उस पर था जरा एक्सप्लेन करा फाइव कोशास द ब्लैक वर्क रिप्रेजेंट अंदर में कोशा ये फर्स्ट है अन्नमय कोशा है पहला दैट इज अंडर द बॉडी द फूड एंड द बॉडी इज मेड ऑफ हमें यू कम विद द फूड बॉर्न विद द फूड एंड डाई विद द फूड ओके हां जो हां ये सब आ जाएगा उसमें फिजिकल बॉडी आ जाता है का जो बॉडी से फूड से बन जाता है बाद में डीएनए सेल्स टिश्यूज नर्व्स ऑर्गन्स बॉडी सिस्टम ये सब अन्नमय कोशा में आ जाता है जैसे फिजिकल बॉडी पूरी जिससे उसमें ब्लड भी आ जाएगा बोन भी आ जाएगा सब आ जाएगा उसका आउटर शीत है प्राणमय कोशा अन्नमय उसका आउटर शीत है प्राणमय कोशा है ये एनर्जेटिक फील्ड है ऑरा बायोमैग्नेटिक फील्ड और नाड़ीज और चक्रास ये प्राणमय प्राणायाम से बनता है जो हमारा प्राण धारणा जो करते हैं अपन जो काय म्हणतात त्याला प्राणायाम जो करतो जैसे शरीर में जो ये चलता है क्या बोलते हैं प्राण का जो अवरोधन चलता है उससे ये पूरा प्राणमय कोशा चलता है ऐसा बोलते हैं सर कि यदि आसन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा प्राणायाम तुम्हें रेगुलर करो उससे वेट लॉस भी हो जाएगा सभी रिजल्ट तुम्हें प्राणायाम से मिलते हैं यदि कोई प्राण जैसे आसना नहीं कर सकते है तो यदि रेगुलर यदि प्राणायाम किया पर्टिकुलर टाइम पे तो वो हो जाता है बाद में हाँ प्राणमय कोशा प्राणमय बॉडी पूरी बाद में मनोमय कोशा बोले तो प्राणमय और अन्नमय कोशा का कॉम्बिनेशन है ये डेली माइंड बोले तो तुम्हारे पूरे स्विंग है मूड के माने इमोशंस लाइक्स डिसलाइक्स फीलिंग्स फियर्स फोबिया ये सब आ जाता है मनोमय कोश पे क्योंकि जो कुछ भी आता है वो पहले मन में आ जाता है बाद में वो बाहर आ जाता है तो इसके लिए भी हम जैसे हमने जैसे कॉम्बिनेशन बोला है कि अन्नमय कोशा और प्राणमय कोशा का जैसे हमने अन्न भी हमने प्रॉपर खाना चाहिए सात्विक अन्न खाना चाहिए जो हमने पहले देखा है बाद में प्राणायाम जैसे इसके ये भी करना चाहिए जैसे बॉडी अच्छी रखने के लिए इसीलिए हम अन्नमय कोशा और प्राणमय कोशा का कॉम्बिनेशन मनोमय कोश के रहते हैं मन शांत रखने के लिए बाद में आता ही विज्ञान मन का विज्ञानमय कोश बोले तो तर्क वितर्क विजडम हायर माइंड इनर कॉन्शियसनेस इनर वॉइस वैल्यूज बिलीफ सिस्टम इंटेलेक्ट ये सब आ जाता है विज्ञानमय कोश में आनंदमय कोश है तो ब्लिसफुल बॉडी ब्लिसफुल माइंड बीइंग विद सेल्फ नेचर बोले तो म्हणजे आनंदी दुःख नाही आनंद नाही नॉर्मल फॉर दॅट यू डू मेडिटेशन बॅलन्स बॅलन्स बॉडी हां इसको बोलेंगे हम दिस इज बेस्ड ऑन तैतरीय उपनिषद यस हां हां पंचकोश तैतरीय उपनिषद मध्ये नाही घेतलेला आहे यस वैसा में जो योगा थेरपी ट्रीटमेंट है दिस बेस्ड ऑन दिस पंचकोश ओनली एक्सट्रीम प्योरली बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योगिक थेरपी आयुर्वेदिक ओके यस सर हियर Protein is there, myself is there for best versa. Thank you. Thank you, sir. Recording bond kar do, 1 minute. I'll stop the recording. Recording kidhar gaya? 1 minute, ha? ऐसे भी बोलते कि यदि उच्चाई प्राणायाम हम 3 महीने करेंगे तुम उसके आवर्तन बढ़ा दो